खास बातों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको बात करते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, शर्माना। जो इंसान बात करते समय बहुत शर्माता है, वो खुलकर अपनी बात कह ही नहीं सकता। उसके शब्दों में वो ताकत, वो जादू कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर से शर्म को पूरी तरह से मिटाना होगा। दूसरी बात, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी बातों में दम कभी आ ही नहीं सकता। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, आपके शब्दों में भी उतनी ही ज्यादा शक्ति और असर होगा। और तीसरी बात, अपनी बातों से लोगों को बोर ना करें, लोगों को अपने दुखड़े मत सुनाएं, उससे लोग आपसे बोर होने लगते हैं। अगर आपको लगे कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इससे तो बेहतर है आप चुप हो जाएं। चौथी बात, कम बोलो पर काम का बोलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बोल सकते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि जो आप बोल रहे हैं वो कितना उपयोगी है, उससे लोगों को कितना फायदा हो सकता है, उससे लोगों की कितनी हेल्प हो सकती है, या उससे लोगों को कितनी खुशी मिल सकती है। कितना बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। पांचवी बात, जब भी आप किसी से बात करें ना, तो अपने बारे में कम, उनके बारे में आप उनसे ज्यादा बातें करें, क्योंकि हर कोई इंसान अपने बारे में सुनना ज्यादा पसंद करता है। आप उन्हें ये मत बताइए कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप उन्हें ये बताइए कि वो कैसे हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप लोगों से अपने बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो लोग भी आप में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और जब आप सिर्फ अपने ही बारे में बात करते रहते हैं, तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपने शब्दों में आकर्षण लाना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में ज्यादा बात करें। हैं ये सब छोटी सी बातें, लेकिन जो इंसान इन सब बातों को सीख गया ना, उसको एक कामयाब इंसान बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। सच कह रहा हूँ, जो इंसान बोलना सीख गया, उसे दुनिया में और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया की सारी विद्याओं से बढ़कर है, हर ज्ञान से बढ़कर है आपके बोलने का ज्ञान, आपके शब्दों का ज्ञान। और अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो इन बातों का आप निरंतर अभ्यास करते रहें। सिर्फ सुन लेना काफी